Now let's see exercise 4.6 से ओके यहाँ पे देखिए फाइंड द प्रोडक्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 4 × 10 5 × 30 8 × 40 तो ये कैसे सॉल्व करना है मैं आपको यहाँ सॉल्व करके बता देता हूँ। आ जाइए पहला है फर्स्ट का ये लिखा है 4 × 10 ओके फिल करना है तो 4 × 1 = 4 करेंगे आगे एक जीरो यहाँ पे पुट कर दीजिए इंसर्ट कर दीजिए ये आपका हो गया। बी वाला देखिए 5 × 30 दिया गया है ठीक है 5 × 3 = 15 और आगे एक जीरो इंसर्ट कर दीजिए। तो इसी तरीके से आप यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को फिल कर सकते हैं जितने भी हैं ठीक है ये। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए पिक्चर दिया है मल्टीप्लिकेशन फैक्ट दिया है फिर एक क्वेश्चन दिया देयर आर 20 मार्बल इन ए जार हाउ मेनी मार्बल आर देयर इन 2 सच जार और ये क्या है फ्लावर है देयर आर 100 फ्लावर इन 1 बकेट इसको यू कैन सपोज दिस 1 बकेट एंड हाउ मेनी फ्लावर आर देयर इन 5 सच बकेट ऐसे क्वेश्चन लिखना है तो ठीक है इसको आप फिल कर लीजिएगा दोनों। अब आइए वर्ड प्रॉब्लम को देख लेते हैं ठीक है वर्ड प्रॉब्लम एक क्वेश्चन नंबर थर्ड है इधर फिल इन द ब्लैंक अगर कुछ नहीं है आएगा आप लोगों के पास मेरा नंबर होगा मैसेज करके आप पूछ सकते हैं हमसे अपना नाम वहाँ पे लिख के भेज दीजिएगा हम आपको बता देंगे। देखिए देयर आर 8 एप्पल इन ए बास्केट There are 8 apples in a basket. How many apples are there in 10 such basket? तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम ठीक है लिखा है There are 8 apples. एक बास्केट में 8 हैं 10 में कितने होंगे तो How many apples? Total apple. Total number of apples. क्या करेंगे 8 × 10 10 × 8 = 80 ये आपका आंसर हो जाएगा ठीक है। फोर्थ देखिए इन ए क्लासरूम 20 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन ए 1 रो इफ देयर आर 7 सच रो ऑफ स्टूडेंट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ए क्लास एक रो में 20 स्टूडेंट हैं और 7 रो हैं तो क्या करेंगे हाउ मेनी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए सॉल्व लिख लीजिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ठीक है तो कितने 20 हैं रो कितने हैं 7 मल्टीप्लाई कर लीजिए 7 × 2 = 14 देख पा रहे हैं ना। इसी तरीके सॉल्व करना है यहाँ क्वेश्चन नंबर 5th भी दिख रहा है तो इसमें 4.6 में इतने ही क्वेश्चन हैं तो बाकी सब लगभग हमने बता दिया है उसको आप सॉल्व करिएगा जो बच्चा है वो आपके लिए होमवर्क हो जाएगा तो होमवर्क नोट कर लीजिए कंप्लीट एक्सरसाइज 4.6। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।